200 क्रिकेट का नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस की बॉडी में एक करंट सा दौड़ने लगता है। किसी भी क्रिकेट प्रशंसक के अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून अलग ही दिखता है। और आखिर ये जुनून भाई हो भी क्यों ना, खेल ही कुछ ऐसा है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट के सही नियमों को जानते हैं। आपको मालूम है, क्रिकेट के खेल के कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो शायद ही कोई जानता हो, जैसे कि विकेट के पीछे खड़ा विकेट कीपर आधा ही क्यों बैठता है। पुरुष क्रिकेटर अपने गुप्तांगों की सुरक्षा के लिए गार्ड पहनते हैं, लेकिन क्या उसी तरह महिला क्रिकेटर भी गार्ड्स पहनती हैं या फिर नहीं। इसके अलावा क्रिकेट के फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में लाल और वनडे T20 में सफेद रंग की बॉल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। शायद आपको भी कुछ सवालों का जवाब ना मालूम हो, इसलिए आपके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी सारी जानकारी मिल सके। और वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए। 200 क्रिकेट खेलते समय क्रिकेटर को बहुत सारे सामान की जरूरत होती है, जैसे कि बैट, पैट, हेलमेट, ग्लव्स, थाई पैड वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसका नाम होता है कार्ड, जिसे पुरुष क्रिकेटर के गुप्तांगों की रक्षा अर्थात सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इसे मेंस क्रिकेट में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों, वीमेन क्रिकेट में क्या इसका इस्तेमाल होता होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मेंस क्रिकेट और वीमेन्स क्रिकेट में जो अंतर होता है वो बॉल के साइज, बैट के साइज या फिर सर्कल के साइज जो होता है ना, सिर्फ उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। जैसे मेंस क्रिकेट में चेस गार्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि वीमेन्स क्रिकेट में चेस गार्ड का इस्तेमाल होता ही है, क्योंकि पुरुष का जो फिजिक होता है और महिलाओं का जो फिगर होता है वो दोनों ही अलग अलग है। हमारा यहाँ कहने का मतलब सहनशीलता से है। पुरुष क्रिकेटर के मुकाबले महिला क्रिकेटर्स की सहनशीलता कम होती है, इसी कारण महिला क्रिकेटर के लिए एक्स्ट्रा चेस गार्ड लगाया जाता है। इसके अलावा पुरुषों के गुप्तांग में गार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे महिला क्रिकेटर को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, महिला क्रिकेटर्स के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। तो महिला क्रिकेटर को भी बनाया जाता है स्पेशल फीमेल गार्ड। और ये जो फीमेल गार्ड होता है ना, सुमो रेसलर जो कच्छा पहनता है कुछ ऐसा भी होता है। और फीमेल गार्ड अंदर से थोड़े मेल गार्ड के जैसे भी दिखते हैं। फीमेल गार्ड अंदर से सॉफ्ट प्लास्टिक से बने होते हैं और उनकी जो बाहर की परत होती है वो हार्ड प्लास्टिक से बनाई जाती है। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो फीमेल क्रिकेटर्स के ऑर्डर पर भी गार्ड बनाती है। दूसरा बात आती है विकेट के पीछे खड़ा विकेट कीपर जो होता है वो आधा ही क्यों बैठता है, मतलब वो पूरा खड़ा हो सकता है या फिर पूरा ही बैठ सकता है, लेकिन आधा ही क्यों? आपने देखा होगा मैदान में सभी फील्डर्स खड़े रहते हैं, लेकिन विकेट कीपर हमेशा आधा बैठा हुआ होता है, या यूं कह सकते हैं कि वो हमेशा झुका रहता है। दोस्तों, ICC के द्वारा बनाए गए क्रिकेट रूल्स के अनुसार जब बॉलर जो होता है गेंद फेंकने के लिए दौड़ना शुरू करता है और जब तक गेंद बॉलर के हाथ से ना निकल जाए तब तक विकेट कीपर कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। वो जिस पोजीशन में खड़ा है उसी पोजीशन में खड़ा रहेगा। विकेट कीपर की इस पोजीशन को क्राउच पोजीशन कहा जाता है। अगर सरल और आसान भाषा में बोला जाए तो इसे शिकारी पोजीशन कहा जाता है। जैसे शिकार करते समय शेर या चीते रहते हैं, ICC द्वारा बैठने या खड़े रहने पर कोई नियम नहीं बनाया गया है। दरअसल इस पोजीशन में रहने पर कीपर को बॉल पकड़ने में आसानी होती है। इस पोजीशन में बैठने पर कीपर को बॉल अच्छे से दिखाई नहीं देती है और बॉल पिच में कहां पड़ रही है और बॉल पड़ने के बाद कितना उछाल लेगी, ये सारी जानकारियां नहीं मिल सकती। इसके अलावा कीपर को राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ डाइव लगाने में भी आसानी रहती है। इस पोजीशन में कीपर के पैरों में प्रेशर बनता है और इससे वो बड़ी आसानी से ऊपर की ओर उछल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली क्रिकेट बॉल की। जैसे कि हम सभी जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में लाल और वनडे और T20 क्रिकेट में सफेद बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं क्रिकेट में टोटल 3 फॉर्मेट्स होते हैं जो ICC द्वारा मान्यता प्राप्त है। T20 और ODI क्रिकेट में व्हाइट बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टेस्ट मैच में रेड बॉल का इस्तेमाल होता है। आपको बताना चाहूंगा दोनों ही बॉल्स में वजन और मटेरियल का अंतर होता है। ICC की मान्यता अनुसार बॉल का वजन 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के अंदर होता है। 200 पहले के दिनों में यानी कि पुराने दिनों में क्रिकेट में लाल रंग की ही बॉल का इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अब वनडे और T20 में सफेद रंग की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, ज्यादातर मैचेस जो होते हैं वो डे नाइट में होते हैं और ऐसे में लाल रंग की विजिबिलिटी जो होती है वो खराब होती है। इसी कारण से ODI और T20 क्रिकेट में सफेद बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण बॉल अच्छे से दिख सके। दोस्तों, ज्यादातर दर्शक अपने घर पर टीवी पर मैच का आनंद लेते हैं, जिस कारण से लाल बॉल सफेद बॉल के मुकाबले अच्छे से नहीं दिखती है। यही कारण है कि वनडे और T20 में सफेद बॉल का इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट क्रिकेट में लाल बॉल का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।